नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपसे मतलब शेयर करने वाली हूँ, वो स्वादिष्ट ही नहीं, खूबसूरत ही देखने में नहीं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके हेल्थ के लिए है। और इसका नाम है किकोरा। इसके बाद इसको बन करेला भी कहते हैं, और मेरे यहाँ इसे खेक्सा के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह के, इसमें कांटेदार, जिस तरह से आपके कांटे कांटे रहते हैं करेले में, इसी तरह के इसमें भी होते हैं, और ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये मेरे पास आधा किलो पड़े हुए हैं, साथ ही मैंने यहाँ दो टमाटर काट के रखे हुए हैं, और दो मझोले कद के प्याज को काट के रखी है, यहाँ इमली है, यहाँ तीन चार हरी मिर्च और आदि रखी हुई है। और सबसे पहले इसको यहाँ से इसके डंठल वगैरह हटा कर इसको उबालनी होगी, तो मैं इसको उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। उबालने के बाद फिर से आपसे बात करती हूँ। दोस्तों, अब ये पक गया है, पक कर गया है। इसको चेक करने के लिए आप कोई तीखी वाली चीज़ से इसको इसमें घोप के देख सकते हैं कि ये पक गया है, अच्छी तरह से पक गया है। और अब इसको बीच बीच में आप दो तीन जगह चीरा लगा दो, ऐसे करके हल्की हल्की, ताकि इसमें रस जा सके। दो तीन जगह इसमें पलट पलट के चीरा लगा देनी। दोस्तों, अब कढ़ाई एक लेते हैं, उसमें दो तीन चम्मच तेल अंदाजे मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब इसमें फोरन डालने हैं। फोरन डालने के लिए जो चीज़ मैं रखी हूँ यहाँ, वो आपको दिखला दूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे लाल मिर्च है, यहाँ जीरा है आधा चम्मच, और ये दो पत्ते हैं, तज पत्ते जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है। और ये तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देना है, छोड़ देना है। दोस्तों, अब ये तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं। जब ये जीरा चिटचिटाना बंद कर दे, कम कर दे, तब इसमें जो मैं डालने वाली हूँ, देख लीजिए आप, ये चिल्ली है, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम बेसी भी कर सकते हैं। एक चम्मच इसमें धनिया है और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। दोस्तों, ये हरी मिर्च, लहसुन और आदि की पेस्ट है। आंच को धीमी ही रखें, मसाला जब भी भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो आंच को धीमी रखना अच्छा रहता है, आंच को तेज ना करें। और इसमें अब जो डालती हूँ मैं, वो है, सॉरी, इसमें एक और ढक्कन भी आ रहा था, ये है प्याज और टमाटर। इसी से ग्रेवी हमारा तैयार होगा। और इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे करके तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। दोस्तों, करीब करीब धीमी आंच पर भूनते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में भून करके तैयार हो गया है, ये देखो आप। अब ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से तेल छोड़ना, मसाला जब तेल छोड़ दे तो समझ लो कि मसाला आपका अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें जो उबाल कर और इसमें होल करके रखे हुए हैं, इनको डालकर थोड़ी देर एक दो बार इसको भून लेते हैं। दोस्तों, अब स्वादानुसार आप इसमें नमक डाल दो, अगर कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हो, और ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसके बाद अब पानी इसमें डाल देते हैं। पानी डालने के बाद ये तो उबला हुआ है, पका हुआ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर इसको पकने दिया जाएगा। और साथ में जो इमली का पानी हम लोग तैयार किए हैं घोल कर, ये इमली का पानी है, ये इमली का पानी भी इसमें डाल देनी है, और इसको अब अच्छे से ढक देना है। दोस्तों, अब ये तैयार हो गया है, इसके ढक्कन हटा कर देख रही हूँ। अब ये तैयार होने के बाद इसमें अब गरम मसाले छोड़ देने हैं।
गरम मसाले 1 चम्मच आप इसमें डाल दो। आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने बनाने के बाद यहाँ निकाल ली है और इसी के साथ मैं चलती हूँ, आप भी बनाएं खाएं और जब अच्छी लगे तो लौट कर आ करके आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।